मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप मोर्फो आरडी सर्विस को जो है परचेस कर सकते हैं आरडी सर्विस वेबसाइट से। तो दोस्तों, इस वीडियो में फुल प्रोसेस आपको बताने वाले हैं किस तरीके से मोर्फो आरडी सर्विस को जो है परचेस किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी डिवाइस है वो कल से वर्क नहीं कर रही है, उसकी जो आरडी सर्विस है वो समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आरडी सर्विस जो है वो बाय करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है मोर्फो आरडी सर्विस जो है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आरडी सर्विस पर क्लिक करेंगे, इसकी पहली वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ से जो है अपना अकाउंट बना लीजिए, और उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। अगर अकाउंट नहीं बना है तो नीचे यहाँ पर जो है क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है, और जब आपका अकाउंट बन जाए उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मैंने अकाउंट बना लिया है, उसके बाद यहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के हम उसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम साइन इन क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी। यहाँ पर जो है जैसे ही तीन डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा नाम दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब हम जाएंगे आरडी सर्विस परचेस करने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको आरडी सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रिन्यू आरडी सर्विस मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस सीरियल नंबर आपको जो है वो डाल देना है। अगर आपके पास डिवाइस का सीरियल नंबर नहीं है तो ऊपर से आप फाइंड भी कर सकते हैं किस तरीके से डिवाइस का सीरियल नंबर निकाला जाता है, वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर सीरियल नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए। दोस्तों, कुछ डिवाइसें ऐसी हैं जो अभी UDID द्वारा जो है आधार कार्ड के द्वारा जो है जो सस्ता है उसके द्वारा जो आईडी जो डिवाइसें हैं वो E1 जो मॉडल की डिवाइसें हैं वो बंद की गई हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी डिवाइसें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइस है जो U2 जो हमारी U2 डिवाइस है वो अभी प्रॉपर जो है वर्क कर रही है, चल रही है, अथॉरिटी है चलाने की। तो हमारी जो डिवाइस है वो नीचे वाली U2 है, 1300 U2। तो हम इसको जो है सर्विस को परचेज करने वाले हैं। अगर आप की डिवाइस जो है E1 में आती तो उसको सर्विस को आप परचेस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने सीरियल नंबर डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसको करेंगे ऐड टू कार्ट। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये जो डिवाइस है वो हमारे कार्ड में ऐड हो जाएगी। उसके बाद इसका जो पेमेंट है मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया है, अब जो डिवाइस है हमारे कार्ड में जो है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ से अब हम इसका पेमेंट करेंगे चेकआउट। तो यहाँ पर जैसे ही चेकआउट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पेमेंट इन्फो में पूरे डिटेल आपकी आ जाएगी। अगर नहीं आती तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल जो है पूरी फिल कर लीजिए, और फिल करने के बाद यहाँ पर अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट नेम और सिटी नेम जो है वो डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है। डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आपका एड्रेस पूरा है वो एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल जो है अपनी डाल ली है। डालने के बाद अब हम करेंगे कंटिन्यू टू पेमेंट, और जैसे ही कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पेज है बुक पेमेंट करने के लिए जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो पेमेंट है वो करानी होगी। जैसे यहाँ पर जो है आपको जो विकल्प मिलेंगे, जैसे डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, वॉलेट हुआ कोई भी, या फिर कहें UPI, व्हाट्सएप। तो दोस्तों, यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मैं जो पेमेंट करने वाली हूँ वो जो है वो डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर हम करेंगे टिक, और उसके बाद करेंगे प्रोसीड। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट होकर जो है सीधे OTP जो है OTP के लिए पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर मुझे वही OTP जो है वो डालनी पड़ेगी जो हमारे खाते में लगी है। तो मेरे खाते में जो OTP लगी है वो आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पर जो डेबिट कार्ड संख्या है वो डाली है, तो यहाँ पर जो मैसेज है वो आ चुका है। अब हम इसको कन्फर्म, जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे तो मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली विद GST जो है वो मेरा कट जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 442 रुपये मुझे एक साल के जो है वो चार्ज करने पड़े हैं। तो इस तरीके से हमारी जो आरडी सर्विस है वो परचेज हो चुकी है। पहले इसमें जो टाइम ड्यूरेशन आती थी वो लगभग 1 से 2-3 साल आती थी। हो सकता है ये आगे 1 साल ही चले, उसके बाद हो सकता है ये भी जो है वो इसकी भी आईडी सर्विस स्टॉप कर दी जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपने देखा किस तरीके से आप मोर्फो डिवाइस की जो है आईडी सर्विस परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।